अगर आप अपने फेस या बॉडी के अनवांटेड हेयर को शेव करके, वैक्स करके या बार बार सैलून के चक्कर काट के थक चुके हैं, तो आज हम लेजर हेयर रिडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जो एक ऐसी टेक्निक है जो परमानेंटली आपके हेयर को रिड्यूस कर सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लेजर हेयर रिडक्शन काम कैसे करता है, उसके पॉसिबल इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स क्या है, क्या इसमें लेजर हेयर रिडक्शन परमानेंट इन नेचर होता है, तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अक्सर लोग हमारे पास लेजर हेयर रिडक्शन के बारे में तब पूछने आते हैं जब उन्हें वैक्सिंग या शेविंग से कुछ ज़्यादा ही दिक्कत होती है, जैसे कि रेजर बम्स आना, बार बार स्किन कट जाना, स्किन जल जाना, या फिर उनके इतने ज़्यादा हेयर होते हैं कि हर हफ्ते हर महीने वैक्स या शेव करना पॉसिबल नहीं होता। तो लेज़र हेयर रिडक्शन हम क्लिनिक में कर सकते हैं उन अनचाहे बालों को हटाने के लिए। इससे पहले हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि लेज़र हेयर रिडक्शन एक फिज़िक्स के प्रिंसिपल पे काम करता है जो हमारी स्किन से रिएक्ट करता है। क्योंकि ये इतनी टेक्निकल चीज़ है, मेरा सजेशन है कि लेज़र हेयर रिडक्शन लेने से पहले आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए इसके इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स जानने के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं लेज़र हेयर रिडक्शन काम कैसे करता है। लेज़र हेयर रिडक्शन दुनिया में करा जाने वाला सबसे कॉमन एस्थेटिक प्रोसीजर है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारे बाल परमानेंटली चले जाएं। हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि ज़रा भी हमारे लेग्स पे या आर्म्स पे या आर्मपिट्स पे बाल हों। लेज़र क्या होती है, इसका ये मतलब होता है कि आपकी लाइट जो है, जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की है, उसे हमने एम्पलीफाई कर दिया है ताकि वो स्किन में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को ही टारगेट करे, जो है आपका बाल। अब बाल के अंदर होता है कलर, तो इस कलर पे हम टारगेट करते हैं लेज़र को। जब लेज़र दी जाती है आपकी स्किन पे, तो आपका बाल में जो कलर है वो इस लेज़र को पकड़ लेता है और खुद हीट अप हो जाता है। हीट होने के कारण उसके अंदर के जो सेल्स हैं वो टूटते हैं और हमेशा के लिए मर जाते हैं। मोस्टली लोग अगर लेज़र हेयर रिडक्शन बॉडी के लिए लेते हैं तो उन्हें 4 से 6 सेशंस लगते हैं अच्छा रिडक्शन आने में। हाउएवर, क्योंकि फेस एक हार्मोन डिपेंडेंट एरिया है, तो अगर आपको PCOD है या आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो आपके फेस में रिजल्ट्स आने में थोड़ा और वक्त लग सकता है। जनरली 6 to 10 सेशंस, कुछ लोगों को 10 से 20 सेशन भी लग जाते हैं अपनी स्किन में एक अच्छा रिडक्शन देखने में ऑन द फेस। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके जो बाल होते हैं वो 3 फेजेस में होते हैं, ग्रोइंग फेज, रेस्टिंग फेज और शेडिंग फेज। जैसे मैंने बताया कि लेज़र सिर्फ कलर पे काम करती है, आपका जो बाल ग्रोइंग फेज में होता है उसमें तो बहुत सारा ब्लैक या ब्राउन कलर होता है, लेकिन जो आपका हेयर रेस्टिंग या शेडिंग फेज में है, उसका जो हेयर रूट है वो वाइट टर्न हो जाता है। और इसमें क्योंकि कोई कलर नहीं है, आपका लेज़र इस बाल को नहीं मार सकता। जैसे कि हमने देखा कि कलर होने के कारण लेज़र इफ़ेक्टिव होती है हेयर रिडक्शन में, तो जितना ज़्यादा कलर होगा आपके बालों में उतनी लेज़र ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। इसी कारण से लेज़र हेयर रिडक्शन बिकनी और अंडर आर्म्स के लिए काफ़ी अच्छी टेक्निक है, क्योंकि लेज़र आपके हेयर रूट्स को किल करता है। इसीलिए जितना हेयर रिडक्शन का रिजल्ट आपको आता है, विच इज़ यूजुअली 50 to 60% इन मोस्ट पीपल, दिस इज़ परमानेंट इन नेचर। लेकिन हो सकता है लेज़र आपके 100% बाल ना निकाले, लेकिन फिर भी हम ये टेक्निक को क्यों एडवाइस करते हैं? क्योंकि अगर आपकी स्किन में स्ट्रॉबेरी स्किन, रेजर बर्न्स होना या वैक्सिंग से ट्रबल होना या बहुत ज़्यादा बाल होने के कारण बार बार सैलून के चक्कर काटने में आपको दिक्कत होती है, तो लेज़र हेयर रिडक्शन आपकी लाइफ को काफ़ी ईजी बना सकता है। ऑल्सो लेज़र हेयर रिडक्शन एक काफ़ी पेनलेस टेक्निक है आज की तारीख में, जो बहुत अच्छे और नए लेज़र्स अवेलेबल हैं। हमारी क्लिनिक में हम माइल्समैन कॉम्पैक्ट डुओ नाम की एक डिवाइस को यूज़ करते हैं, जो एक स्पैनिश डर्मन टेक्नोलॉजी है। और इस टेक्नोलॉजी की खास बात यह है कि इसका जो टेम्परेचर है वो -9 degrees है। ये सबसे कूलेस्ट लेज़र जो आज की तारीख में अवेलेबल है, जिसकी वजह से फुल बॉडी लेज़र हेयर रिडक्शन में भी आपको पेन नहीं होता है। लेज़र हेयर रिडक्शन लेने से पहले जब आप अपने डॉक्टर से मिलते हैं, तो उनसे कुछ सवाल करना मत भूलिए। सबसे पहले कि आपको कितने सेशंस लगेंगे, क्योंकि हर इंडिविजुअल को अलग सेशन अमाउंट लगते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से पहले ही क्लैरिफाई कर सकते हैं। दूसरा, आप कौन कौन से बॉडी पार्ट्स लेना चाहते हैं आप उन्हें ये बताइए, क्योंकि हर बॉडी पार्ट पर अलग टाइप का रिजल्ट आता है।
तीसरा उनसे पूछिए कि उनके पास कौन सी लेजर हेयर रिडक्शन मशीन है। जनरली ब्राउन या ब्लैक हेयर पे और हमारी इंडियन स्किन पे डायोड लेजर या ट्रिपल वेवलेंथ या क्वाड्रपल वेवलेंथ लेजर अच्छा काम करती है। अगर बहुत पतले बाल हैं तो एलेक्जेंड्राइट नाम की लेजर आप पे अच्छा काम कर सकती है। IPL टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है फॉर लेज़र हेयर रिडक्शन, लेकिन ये हमेशा सिर्फ एक डर्मेटोलॉजिस्ट से ही करवाइए क्योंकि ये मशीन ट्रिकी है और फाइन हेयर पे भी काम करती है। तो आइए अब जानते हैं जब लेज़र हेयर रिडक्शन लेने का आपने फैसला बना लिया है तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे आपको एक अच्छा रिजल्ट देने के लिए। सो लेज़र हेयर रिडक्शन स्टार्ट करने से पहले आपके हेयर को शेव कर दिया जाएगा। इसका कारण ये है कि अगर आपके बाल स्किन से बाहर निकले दिख रहे हैं तो लेज़र उसमें वेस्ट हो सकती है और आपकी स्किन में बर्न के चांसेस हो सकते हैं। सो आपके टेक्नीशियन या डर्मेटोलॉजिस्ट पहले आपके हेयर को शेव करवाएंगे। इसके बाद आपके डॉक्टर आपकी लेज़र मशीन में सेटिंग्स करेंगे। ये डिपेंड करता है उस पर कि आप कौन से हेयर बॉडी पार्ट पर लेज़र ले रहे हैं, आपकी स्किन और हेयर का कलर क्या है, आपकी हेयर की थिकनेस कितनी है और कौन से नंबर का सेशन है आपका। इसके बाद आपको आई पे शील्ड दिए जाएंगे जो आपको ज़रूर पहनने चाहिए क्योंकि लेज़र आपकी आंखों को अफेक्ट कर सकती है। आपके टेक्नीशियन भी अपने आप गॉगल्स पहनेंगे और उसके बाद स्टार्ट होगा लेज़र हेयर रिडक्शन का प्रोसीजर। सबसे पहले एक स्मॉल शॉट दिया जाएगा आपको किसी एक बॉडी पार्ट पे देखने के लिए, चेक करने के लिए कि उसकी एनर्जी आपके लिए ऑप्टिमम है और आपको उसे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। फुल बॉडी लेज़र हेयर रिडक्शन प्रोसीजर में कम से कम 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। हाउएवर अगर आप एक स्मॉल बॉडी पार्ट लेते हैं जैसे अंडर आर्म्स या फेस तो उसमें 10 से 15 मिनट लगते हैं। जब प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तो कुछ डॉक्टर्स या टेक्नीशियंस आइस पैक का इस्तेमाल करते हैं आपकी स्किन को ठंडा करने में। हाउएवर ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कुछ डॉक्टर्स आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब के पेन रिड्यूस करने वाले ट्रीटमेंट्स या बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करने वाले ट्रीटमेंट्स भी सजेस्ट कर सकते हैं जैसे कि एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन, आर्निका क्रीम्स। हाउएवर ये आपके डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि आपको इनकी ज़रूरत है कि नहीं। नेक्स्ट सेशन होता है जनरली 4 to 6 weeks के बाद जब नया बाल पूरी तरह आ चुका है। अब इधर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ कि जब आप लेज़र हेयर रिडक्शन करवा के घर जाएंगे 7 से 10 दिन में आपको लगेगा कि मेरे बाल फिर से आ चुके हैं। एक्चुअली ये आपका न्यू हेयर ग्रोथ नहीं है, बट लेज़र हेयर रिडक्शन के सेशन के वक्त जो आपके बाल शेव कर दिए गए हैं और अंदर का रूट जिसको लेज़र दिया गया है वो अब बाहर निकल के आ रहा है और ये शेड हो जाएगा। इसे शेडिंग फेज ऑफ हेयर कहते हैं और ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। जब ये बाल पूरी तरह गिर जाएंगे और 1 से 1.5 महीने में आपके नए बाल आ जाएंगे तब आपको अपनी नेक्स्ट लेज़र हेयर रिडक्शन सेशन के लिए जाना होगा। अब पोस्ट प्रोसीजर केयर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अगर आपको रेडनेस होती है तो आप थोड़ा एलोवेरा, ग्लिसरीन, हाइलुरोनिक एसिड या आर्निका बेस्ड क्रीम्स अपने बॉडी पे लगा सकते हैं या फेस पे लगा सकते हैं। अगर आपको ऐसे छोटे छोटे दाने आते हैं जो आपको खुजली देते हैं या रेड लगते हैं तो आप इन पे आइस पैक्स लगा सकते हैं। अगर इनमें पस दिखता है तो अपने डॉक्टर से बात करके आप अपने लिए एक एंटीबायोटिक जेल भी लिखवा सकते हैं। जनरली नई लेज़र्स काफ़ी सेफ होती हैं बट फिर भी हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप अपना लेज़र हेयर रिडक्शन के बाद सन प्रोटेक्शन ज़रूर लीजिए। क्या लेज़र हेयर रिडक्शन का कोई डाउन टाइम होता है? बिल्कुल नहीं। प्रोसीजर करवाने के तुरंत बाद आप अपनी डेली नॉर्मल एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हर सेशन ऑफ लेज़र हेयर रिडक्शन में आप क्या चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो 10 से 15% बाल हर लेज़र हेयर रिडक्शन के सेशन में कम हो सकते हैं। आप ये भी देखेंगे कि आपकी बाल की डेंसिटी यानी कि जितनी ज़्यादा बाल हैं आपके वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं, उनकी जो थिकनेस है वो भी धीरे धीरे कम हो रही है और शायद उनकी जो साइकिल है वो भी डिले हो रही है। इसका ये मतलब है कि आपकी बाल अब उतनी जल्दी नहीं ग्रो करते हैं जैसे वो पहले कर रहे थे। अब लेज़र हेयर रिडक्शन के क्या कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं? देखिए, अगर आप अपने डॉक्टर से मिलके अच्छे से समझ के एक टेक्नीशियन के सुपरविजन में ये काम करवा रहे हैं तो लेज़र हेयर रिडक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम हो जाते हैं। हाउएवर प्रोसीजर के वक्त थोड़ा डिस्कम्फर्ट, स्वेलिंग और रेडनेस होना एब्सोल्युटली नॉर्मल है। अगर आप अपनी स्किन में कुछ अबनॉर्मल चेंजेस देखते हैं जैसे कि स्किन की में पपड़ी बनना या स्कैबिंग होना या फिर उसमें पानी भरे छाले बनना या फिर आपको लगता है कि आपको ऐसा कोई घाव हुआ है जो नॉर्मल नहीं दिखता है तो इसका मतलब आपको अपने डॉक्टर से बात करने की ज़रूरत है। ये साइड इफ़ेक्ट्स यूजुअली अर्ली मैनेज किए जा सकते हैं अगर आप अपने डॉक्टर से टाइम पर मिलते हैं तो।
तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और लेज़र हेयर रिडक्शन के बारे में आपके जो क्वेश्चंस थे वो मैं सॉल्व कर पाई हूँ इस वीडियो में। हाउएवर अगर मैंने कुछ छोड़ दिया है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँगी। दूसरी बात, अगर आपके पास और कोई सवाल है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। हमें ज़रूर बताइए कि आप किस तरह की वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं, कोई स्किन और हेयर केयर टॉपिक आप चाहते हैं हम उठाएँ तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और ऐसे ही और हेयर केयर और स्किन केयर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अप अंटिल देन, हैव अ हेल्दी स्किन।